विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 7 जनवरी को चिरमिरी में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, इसका भरपूर आनंद उठाइए। पंडा, बैगा, गुनिया, ओझा, दीवार, ये सभी देखिए कितने अच्छी तरह से मस्ती में झूमते हुए अपने मरीज का इलाज करते हैं, उसका झाड़ फूंक करते हैं। यहाँ पर एक लंगूर भी दर्शन दे रहे हैं, देखकर ऐसा लग रहा है कि वानर राज बाली चिरमिरी में आ पहुँचे हैं। खुजली भी कर रहे हैं, सिर भी मटका रहे हैं। इसी बीच मनेंद्रगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी आगमन होता है। वे मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी की जनता से उनका दुख दर्द पूछ रहे हैं और अपने पीए से बोलकर उसे नोट करवा रहे हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण भी दर्शन देने के लिए आ गए हैं। जन समुदाय से वे कुछ कह रहे हैं, आशीर्वाद स्वरूप अपने आशीर्वचन दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पुराने जमाने की यादें लेकर के ये कलाकार प्रस्तुत हैं। टीवी, रेडियो, रील, ये सभी आपके सामने प्रस्तुत हैं। डाक खाना भी आपके सामने खड़ा है, जो विलुप्त प्राय प्रजाति में अब पहुंचता जा रहा है। वो दिन भी क्या दिन थे। ये तो ठीक है, ये हमारी लगता है इसकी रील निकल गई है। लगता है फैन से निकलना पड़ेगा, ये हमारे टीवी लगता है तुम्हें दर्शन चाहिए दिवाना है। एक एक दिन से भी ये हमारा डाक का है, मैं चिट्ठी पहुँचा दी हूँ तो पहुँचा दीजिए। देश विदेश कहीं भी ये हमारा रील, इसमें यादें संजोगे लाए हैं आपके लिए। तो चलिए गाना सुन लेते हैं। ये कलाकार पुराने जमाने की यादों को ताज़ा करने हेतु यह कलाकारी दिखा रहे हैं। एक गाने पर ये डांस करने वाले हैं, लेकिन हम वह गाना दबा रहे हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है। गाने पर थिरकते हुए कलाकार यहाँ पर दहेज पीड़ित एक कन्या की व्यथा लेकर के उसके पिता श्री उपस्थित हुए हैं। दहेज एक कुरीति है, एक कुप्रथा है। दहेज प्रथा में रोक लगाई जाए। दहेज प्रथा के कारण बेटियों को निर्जात से जिंदा जला दिया जाता है। दहेज प्रथा को बंद कराने में अजीब सी कहानी है साहब। घर की रौनक भी दो और दहेज भी दो, दहेज भी दो। दिए हुए फर्नीचर के कलर उतर गए साहब, दिए हुए फर्नीचर के कलर उतर गए साहब, लेकिन एक पूरे बाप का दिया हुआ खर्च। वनराज हसदेव भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। वनों को बचाने का अनुरोध करते हुए वनराज भी हैं। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक शिक्षित समाज की संकल्पना लेकर के ये कलाकार प्रस्तुत हुए हैं। नारियों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें साक्षर बनाइए, शिक्षित बनाइए। एक शिक्षित समाज की नितांत आवश्यकता है, इसका बहुत ही अच्छा संदेश इन कलाकारों के द्वारा। तभी हमारे बीच सिकंदर भी पहुंचते हैं और देखिए सिकंदर क्या कह रहे हैं। मोटे पवंदर ही मैं, सिकंदर ही मैं, सिकंदर जब तुम्हारी जिस्म से रूह को निचोड़े, वो खंजर ही मैं, सिकंदर ही मैं, सिकंदर जीत लिया जहां सारा, अब भारत में तैर पसारूंगा, जो उठे सची उसको फिर से मैं उखाड़ूंगा। मृत्यु का इसलिए
सिकंदर के बाद एक भूत दिखाई दिया जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। इस भूत को भगाने के लिए पीछे से डंडा लेकर पंडित जी भी आ गए। पंडित जी के जाते ही एक शराबी समाज हमारे सामने पहुंचा जिसमें बहुत सारे युवक शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोयला लेकर के कंधे पर घूम रहे हैं, कोयला बेचते हैं, उससे जो पैसे मिले उससे वे दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश। तभी श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को एक कांवड़ में बैठा करके चार धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही पुत्रों की समाज में आवश्यकता है। मछली का पान आ जाने के कारण हमारा आज कोई इज्जत नहीं रहा, हमारा रोजी रोटी छीन लिया गया। हमने सरकार से ये निवेदन है कि मिली की आबादी बढ़ानी है तो यहाँ प्लान डालनी चाहिए, यहाँ बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। कॉलरी में अधीनस्थ लोको कर्मचारियों के द्वारा मशीनीकरण का विरोध करते हुए यह कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया गया। एक लंगूर महाराज और दिखाई दिए। कुछ देर पहले आपको बाली का दर्शन हुआ था, अब सुग्रीव भी आ गए। देखिए कितना बढ़िया सुग्रीव महाराज चले आ रहे हैं, जजों के सामने पहुंच गए हैं। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन मार्केटिंग का पुरजोर विरोध करते हुए दिखाया गया है। अरे श्रीमती जी का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मैं मायके से वापस आ रही हूँ, साथ में भाई भी आ रहा है, वो रुकेगा नहीं तो उसके लिए शर्ट और जीन्स लेके रखना। भाई बता रही थी कि किराने का सामान भी खत्म हो गया है तो किराने का सामान भी ले आना। बाबू जी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, वो भी लेते आना। और बच्चे का स्कूल शुरू हो रहा है, जूते इसके छोटे हो गए हैं तो जूता भी लेते हुए आना, 7 नंबर का जूता लगेगा। ठीक है, और पड़े पड़े मोबाइल मत चलाते रहना, कुछ काम भी कर लेना। अरे क्या मैं बैठे बैठे खाली मोबाइल ही चलाते रहता हूँ? एक काम करता हूँ, पहले ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ किस सामान का रेट कितना है। आजकल ये लोग ठगते बड़ा है। 1% छूट, 40% छूट, 50% छूट। मैं तो छूट बढ़िया बता रहे यार ऑनलाइन में। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन सामान तो 6-7 दिन बाद ही आएगा, लोकल में पता कर लेता हूँ, उसके बाद डिलीवर लेता हूँ। किराने वाले के पास से पहले सामान ले लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया ये आटा कितने रुपए किलो लगा रहे हैं? 40 रुपए किलो। और चावल? चावल 50 रुपए किलो। और सरसों तेल का टीना कितने का है? 1500 रुपए पड़ेगा भैया। और शक्कर? 40 रुपए। बहुत महंगा बता रहे हो यार, ये अमेजोन ग्रॉसरी में काफी सस्ता रेट बता रहा है यार। आप तो लूटते हो, एक कुछ सामान मांगते हो तो कुछ दे देते हो, ऊपर से इतना महंगा भी लेते हो यार, ऐसा कैसे चलेगा? भैया हमको भी थोड़ा सामान लाने ले जाने में भी सामान पैसा लगता है। और यार भूल गए भैया, जब आपकी बेटी की शादी थी तो मैंने आपको 70,000-80,000 का सामान व्यवहार में दे दिया था। आज आप ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हो 10% 20% छूट के लिए। यार बात तो इनकी सही है, सही तो उन्होंने किया था, लेकिन यार रेट में डिफरेंस ही बहुत है। एक काम करता हूँ, खाली चक्कर लेता हूँ, बाकी का सामान ऑनलाइन होगा। भैया आप इसको यह क्या अपराध किया है? महाराज यह बहुत बड़ा अपराध किया है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाए, बिना सीट बेल्ट के कार चलाया है, इसको बहुत बड़ी दंड दिया जाए महाराज। हम हैं। चित्रगुप्त इसे खोलती हुई कढ़ैया में तल दिया जाए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। गाड़ी चलाते समय इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, बाइक चलाते समय इसने हेलमेट नहीं लगाया, और ये अपने आप को हीरो समझता है, हीरो की तरह
हवा में उड़ता है, ऐसे अन्य लोगों को भी परेशानी है और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। खोप तो रहता है महाराज, दूसरे को भी साथ में ले डूबते हैं लोग। हाँ चित्रगुप्त, आप इसे कड़ी सजा दिया जाए, खोलती हुई कढ़ैया में इसे तल दिया जाए, ये मेरा आदेश है और आप सभी से मेरा निवेदन है, जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट जरूर लगाएं, जब भी गाड़ी खरीदें हेलमेट जरूर खरीदें, कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। हेलो, ये सर मेरा बरसुंदर जो माइंस है सती मंदिर, वो उसके लिए था, अब उसको उजाड़ा जा रहा है। यहाँ का जो देवी देवता जो जंगल में बसे थे उसको हटा के दूसरा जगह से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जंगल कट जा रहा है, पचीमिरी का सब चीज, जितने चिरमिरी में लोग हैं यहाँ से सब उजाड़ के चले जाएंगे, पर चिरमिरी नहीं बचेगा, चिरमिरी बचाएंगे तो चिरमिरी रहेगा, कोई रोजगार नहीं है, पूरा काट के फेंक दिया जाएगा, चिरमिरी नहीं रहेगा। आपका बहुत इंतजार किया, अरे वकील जी आप कहाँ थे, अरे विधायक जी आप कहाँ थे, आपका बहुत दिनों से इंतजार किया, मोए 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 लीजिए आपके सामने प्रस्तुत हैं गणपति महाराज, बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता गणपति महाराज आपके सामने थिरकते हुए, जो सारे संसार को नचाते हैं आज आपके सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गणपति महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, गणपति महाराज की जय। मैं गौरी पुत्र गणेश, पिता है जिनकी महेश, एक दंत के नाम से जाने दुनिया सारी, भक्ति के पथ पर जो चले उसे मैं देता हूँ वारी, लड्डू मेरा भोग है, भूषण है सवारी, सुख हरता दुख हरता मैं जग का पालन हारी, लोग करे मिश्री भ्रमण मैं करूँ माता पिता स्मरण, माता पिता का स्नेह मिलता तो यज्ञों का फल है मिलता, खुशियों का भंडार भी चाहिए। तुमने तुमने मेला लगाया है, नन्हे मुन्ने शिव पार्वती आप दर्शन कर पा रहे हैं छोटे छोटे शिव पार्वती के, ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से इस गेटअप के साथ शोभायमान हो रहे हैं। ऑक्सीजन में घट रहे पेड़ बढ़ रहा प्रदूषण, घट रहा पेड़ बढ़ रहा प्रदूषण, घट रहा पेड़ बढ़ रहा प्रदूषण, हवा में घुल रही है जहर, हवा में घुल रही है जहर, स्वच्छ ऑक्सीजन हो रहे कम, स्वच्छ ऑक्सीजन हो रहे कम, आओ मिलकर पेड़ लगाए हम, आओ मिलकर पेड़ लगाए हम, जब पानी बोतलों में बिक रहा था तब हमने मजाक समझा था, जब पानी बोतलों में बिक रहा था तब हमने मजाक समझा था, आज ऑक्सीजन भी बिक रही है, आज ऑक्सीजन भी बिक रही है, जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं और पर्यावरण। यहाँ पर इन कलाकारों के द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस प्रकार से कितने संघर्ष के बाद भगवान श्री राम टेंट से निकलकर अब अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। तो
जब राम जी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, यूपी में योगी होगा, दिल्ली में मोदी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही राम के दिन आए हैं साहब, इसलिए गाना पड़ेगा। श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र जो अपने नेत्रहीन माता पिता को चार धाम की यात्रा में लेकर के गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह यात्रा पूर्ण नहीं हो सकी। इन कलाकारों के द्वारा भारत की एकता एवं अखंडता को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रह करके एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रोगी व्यक्ति है जिसका इलाज एक पंडित जी कर रहे हैं, गले में एक माला पहनाए हैं, उसके बाद अपना कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। यह ठीक होगा या नहीं यह तो समय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पंडित जी अपनी मंत्र शक्ति से इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मौलवी जी आ गए, मौलवी जी दुआ करा रहे हैं, हो सकता है कि मौलवी जी के दुआ से यह बीमारी ठीक हो जाए, मौलवी जी को दुआ पढ़ने दीजिए। उसके बाद ज्ञानी जी आ गए, ज्ञानी जी अपने हिसाब से गुरुद्वारे के हिसाब से पाठ करके उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तभी फादर जी आ गए और अपने तरीके से उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मरीज एक है लेकिन उपचार चार तरह से किया जा रहा है, इसमें कैसी एकता कैसी अखंडता है आप समझिए और इस एक्ट को आनंदपूर्वक देखिए। तभी माता शबरी दिखाई दी, माता शबरी अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में बैठी हैं कि कब उनके आराध्य प्रभु श्री राम आए, उन्हें दर्शन दें। माता प्रतिदिन उनके मार्ग में फूल बिखेरती थी कि आज हो सकता है कि प्रभु श्री राम हमारी कुटिया में आ जाएं। प्रतिदिन फल लेकर के आती थी, फल चुन करके आती थी। तभी प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आ जाते हैं। माता शबरी उन्हें देख करके कुछ समझ नहीं पाती है कि क्या करें। इसी बीच फूल बरसाने लगती है प्रभु श्री राम। उन फूलों से सुसज्जित मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। माता शबरी खुशी के मारे फूले नहीं समाती हैं। प्रभु को देख करके वह पूजन करने लग जाती है। आप देख पा रहे हैं कि दीप दिखा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रही है। पूजन करने के बाद माता शबरी जो फल लेकर के आई है उसे चख चख करके प्रभु श्री राम को खिला रही है, जूठे बेर प्रभु श्री राम को खिला रही है। माता शबरी के भाव को समझिए, माता शबरी अपना जूठा बेर भगवान को नहीं खिलाना चाहती थी, लेकिन उसे इसलिए चख रही थी कि कहीं वे बेर खट्टे न हों। इस भाव से प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए, माता शबरी खुशी के मारे झूमने लगी। इसी बीच कान्हा जी के भी दर्शन लाभ प्राप्त हुए। बंसी बजाते हुए कान्हा जी हमारे बीच आ गए हैं, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इन कलाकारों के द्वारा बहुत ही खतरनाक बीमारी एड्स से बचने का उपाय बताया जा रहा है। मुझे भूख लगता है तो मैं अपने बच्चे को भी वहाँ के खाना खिलाऊंगा।
से न भूल से ये मरेगी तुझे कंडोम से। नहीं मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं चाहता हूँ ईशा को तू अपनी हकीकत बता। नहीं बताऊंगी, कैसे नहीं बताएगी, मेरे पास और भी औजार है। ये देख इन कलाकारों के द्वारा भारतवर्ष में फैले अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से भारत अंधविश्वास के चंगुल में जकड़ा हुआ है, इसी का संदेश लेकर के ये कलाकार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हर घर की सिद्धि है योगी स्वामी, मेरे बाबा का नाम है अमर अकबर चिरमिरी की सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। आ रहे मेरे बाबा अमर अकबर अंथनी, आइए बाबा। और आपका इब्लिस लंका का है मेरे दामन, मिट्टी कब्रिस्तान की राख है संसार की, ये चमड़ा जो खड़ा इंसान ये नस्ल है शैतान की। सिद्धि प्राप्त करके आज मैं आया हूँ हिंदुस्तान, चिरमिरी की जनता के मन में क्या है यही बताना मेरा काम है। चमड़े आप लोग मैं तुझे भेजूंगा, जहां से तुझे ढूंढ के लाना है, एक एक व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना है। तैयार है? कोई भी भीड़ से एक बच्चा है और मेरे चमड़े के आंख में पट्टी बांध दे, कोई भी आया बच्चा आप चेक कर लो, उसमें से कुछ दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर इन कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश दिया जा रहा है, सड़क के नियमों का पालन करते हुए ही सड़क पर वाहन चलाना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर देखिए इस कलाकार को, थोड़ा सा सड़क पर आ जाता है, ये हिट ऑन रन ही ये कहते हैं। अगर 2022-23 की अगर हम सर्वे रिपोर्ट देखें तो 5,840 हत्याएं रोड केस में हुई है, जिसमें से 70% हत्याएं नाबालिगों के साथ हुआ है। मैं स्टूडेंट का हार्ट अटैक का लोगों को बहाना देता हूँ, मौत मुझे उनका चाहिए, उनका ब्लड चाहिए मुझे, मैं खौफनाक मौत हूँ, मुझे मौत चाहिए लोगों का, ये माइक रखा है, इसका भी फोटो चाहिए यहाँ। वायरस है, एक अच्छा जगह है, वहाँ वायरस आ गया है, आज मेरा ये नाती को हो गया है, कल पूरा चिरमिरी में फैलेगा धीरे धीरे,
एक वायरस है, अभी इसको नहीं रोका जाया तो आगे चल के पूरा जिंदगी खा जाएगा, ये वायरस है। अधूरा है, जवान, किसान और विज्ञान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बाप जवान, बेटा किसान। बाप किसान तो बेटा जवान, जय विज्ञान। भारत माता की, भारत माता की। इस देश में तीन चीजों के बिना अधूरा है ये देश। पहला जवान, किसान और विज्ञान। बॉर्डर पे किस देश पे, बॉर्डर पे जवान है तो ये देश चैन की नींद सोता है। किसान खेतों पर है तो देश में अनाज प्राप्त होता है, और देश में विज्ञान है तो देश बुलंदियों को छूता है। भारत माता की, भारत माता की। चांद पर पहुंचकर इसरो ने बढ़ाया मान, अंतरिक्ष में चंद्रयान, और भारत बुलंदियों पर हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। इसरो ने कर दिखाया, चांद पर झंडा रहलाया, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर भारत का सर गर्व से ऊंचा कराया। भारत माता की। आप देखेंगे चंद्रयान 3 अब लॉन्च होने जा रहा है। भारत माता की। बहुत अच्छा, भारत माता की, भारत माता की। अब तो जीवित नहीं बचेगा। राज
छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं दूत, तिलाकाल। नहीं सकता, मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात ही नहीं। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। मुझे कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है ना मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरी बेटी अस्त्र संभव है, अस्त्र से मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। क्या पागल बोलते हैं मेरे को? पागल एकदम नहीं है। फिर झूठ पागल नहीं बन। मैंने पागल को रोज खत्म कर दिया, अब अभी मैं तुम लोगों को सेल्फी बनाएगा। अच्छा सुनो, माँ के लिए हजारों कलम उठे। देश के सड़क में खड़ा जवान जो अपनी जान देने को तैयार है, दुश्मन के बंदूक के सामने अपना सीना लगा के रखा है। क्यों? हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए वो तैयार है। गाय और बैल को आगे हौस में दे आओ। पर मैं कहता हूँ हिंदू राज सनातन धर्म गौ हमारी माता है, ऐसा लोग कहते हैं, चिमड़ी वासी कहते हैं और जज लोग भी कहते हैं सर। गाय जब तक दूध दे रही है, तो मेरी है। गाय जब तक हल चला रहा है तो मेरा है। उसके काम होने के बाद छोड़ दे रहे इनको नगर चौराहे रोड पर,
आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय हमारी, ये देखिए, ये देखिए, ये माता राम आई, ये गाय को पन्नी दे रही है। देखो ए खाना दे, देखो ये देखो, ये देखिए सर, ये आए दिन पन्नी खा रही है गाय। तो कहे का हमारा देश सनातन धर्म हो गया। राम आएंगे 22 तारीख को, राम आएंगे, जा रहे हैं सब, पर अपना देश। माता राम आप तिरमिरी के हैं, आप सनातन धर्म मानते हैं, गाय को रोटी देते हैं आप लोग? तो हर एक व्यक्ति बैल अपन का जो हल चलाता है। इन कलाकारों के संदेश के तुरंत बाद एक गौ माता इस तरह से पन्नी एवं दोने खाते हुए दिखाई दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत झांकी, जिसमें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण टोली बैठी हुई है। प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण एवं सामने में पवन सुत हनुमान भी बैठे हुए हैं। सबका दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए आगे बढ़िए, तभी वीर बजरंग बली अपने विशाल काय शरीर के साथ आम जनमानस को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पहुँचे। आप वीर बजरंग बली का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। बजरंग बली कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो आज भी साक्षात इस धरा पर हैं, चिरंजीवी हैं। 22 जनवरी 2024 मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। मैं आप सब से विनती करना चाहता हूं कि आप सब अयोध्या पहुंचिए। हनुमान जी से न्योता मिलने के बाद देखिए पूरी वानर सेना आ गई जो अयोध्या जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी को विराजित करने के लिए पूरी वानर सेना ही आगे निकल पड़ी। हाथियों के आतंक से पीड़ित किसान, लेकिन हाथियों की भी गलती नहीं है, उनके वन काटे जा रहे हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में घुस रहे हैं। अब यहाँ पर आप इस कलाकार के द्वारा देख पा रहे हैं कि एक खुला सांड जो सब तरफ घूमता रहता है, लोगों को हानि पहुँचाता है, लेकिन यह खुला सांड जो सबको हानि पहुंचा रहा है, क्या इसकी गलती है? बिल्कुल इसकी गलती नहीं है। आप सांड को ऐसे छोड़ते क्यों है, उसे बांध कर रखिए भैया। ये छोटी बच्चियां छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध सुहा नाच को लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। इसमें सिर पर टोकरी में तोते को रख लिया जाता है, तोते को ही सुगा भी कहा जाता है, सुआ भी कहा जाता है, और उसके आस पास मंडराते हुए यह नृत्य किया जाता है। बहुत ही सुंदर गाने इस पर आए हैं। कॉपीराइट के डर से हम इस गाने को यहाँ पर बजने नहीं दे रहे हैं। बच्चियाँ वही गाना बजा करके बहुत अच्छा नृत्य कर रही हैं। आप इन छोटी छोटी बच्चियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सकें और इन बच्चियों की कलाकारी को देख सकें, छत्तीसगढ़ के सुआ नृत्य को देख सकें, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और इसके गाने भी एक से बढ़कर एक आए हुए हैं। बोलिए जय छत्तीसगढ़। बाप रे बाप, इतना बड़ा बिच्छू, कभी आप इतना बड़ा बिच्छू देखे हैं? हम तो नहीं देखे भैया, पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा बिच्छू। लेकिन यह बिच्छू मनेंद्रगढ़ जिले में आकर के भ्रमण कर रहा है, बच के रहिएगा कहीं डंक ना मार दे, क्योंकि बिच्छू जब इतना बड़ा है तो इसका विष भी बहुत बड़ा होगा। इस बिच्छू को अपने से दूर भगाइए भैया, बहुत डर लग रहा है देखिए। लेकिन आम जनमानस इस बिच्छू से डर नहीं रहे हैं, अब समझिए कि आम जनमानस इन बिच्छुओं से भी कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। इस कलाकारी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि आम जनमानस आज की स्थिति में जो आस पड़ोस में आपके निवासरत हैं, बिच्छू से भी ज़्यादा जहरीले हैं। इतना बड़ा बिच्छू देख करके भी ये जनमानस डर नहीं रहे हैं। अब बिच्छू महाराज आगे की ओर जा रहे हैं, तभी वीर बजरंग बली दूसरे रूप में हमारे सामने दर्शन दिए। पीछे से अयोध्या का श्री राम मंदिर भी चला आ रहा है।
वीर बजरंग बली का स्वागत कीजिए, वीर बजरंग बली से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं तो वीर बजरंग बली तो आएंगे ही आएंगे। हनुमान जी के जैसा भक्त न तो कोई था न तो कोई है, और संभवतः ऐसा भक्त कभी हो भी नहीं सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में इतने लीन रहते हैं कि सपना सुधबुध भूल जाते हैं। सदैव प्रभु श्री राम जी की मस्ती में मस्त रहते हैं, झूमते रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के काम के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं भाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सदैव गुणगान करते रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इनके सीने में बसते हैं, इसका प्रमाण स्वयं वीर बजरंग बली देते हैं। देखिए अपना सीना चीर कर प्रभु श्री रामचंद्र एवं माता जानकी का दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कलाकारी, बहुत ही अच्छा गेटअप इस कलाकार के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। संभवतः इस कलाकार को ही इस बहुरूपिया प्रतियोगिता का विजेता भी होना चाहिए, बाकी तो निर्णायक मंडल के ऊपर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छी कलाकारी के साथ वीर बजरंग बली आपके सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी संदेश के साथ 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला विराजित हो रहे हैं। उसके बाद से आप अयोध्या जाइए, प्रभु श्री राम का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।